नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, बॉलीवुड से एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप हाउसफुल फ्रेंचाइज के शौकीन हैं, उसको पसंद करते हैं, तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, हाउसफुल 5 की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार ने खुद ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हाउसफुल 5 है वो बनने जा रही है, और दिवाली 2024 पर फिल्म को रिलीज किया जाएगा। आपको बता दूं, जो पहला पार्ट आया था वो 2010 में आया था, साजिद खान ने डायरेक्ट किया था। उसके बाद में अगला पार्ट हाउसफुल 2 2012 में आया था, उसको भी साजिद खान ने डायरेक्ट किया था। फिर 2016 में अगला पार्ट आया था, उसको डायरेक्ट किसने किया था मुझे अच्छी तरह से याद नहीं। फिर हाउसफुल 4 आया था 2019 में, जिसमें दोस्तों इसको फरहाद सामजी ने डायरेक्ट किया था। और दो हाउसफुल 3 में अभिषेक बच्चन की एंट्री हुई थी हाउसफुल 3 में। और दोस्तों, जहां तक हाउसफुल 4 की बात करें तो उसमें बॉबी देओल भी मुख्य भूमिका में थे, बाकी अक्षय कुमार और रितेश देशमुख तो नजर आते ही है। तो ये काफी बड़ी हिट फ्रेंचाइजी रही है और कॉमेडी से भरपूर रही है, लोगों को काफी पसंद आई है ये। तो अब अक्षय कुमार ने लिखा है कि 5 टाइम मैडनेस, 5 गुना पागलपन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हाउसफुल 5 आ रही है। साजिद नाडियाडवाला इसी फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, आपको बता दूं। और अक्षय कुमार और रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में होंगे, अभी इन दो नामों को ही डिक्लेयर किया गया है। साथ ही अक्षय कुमार ने भी जानकारी दी है कि बाकी जो स्टार कास्ट है उसके नाम जल्दी ही रिवील कर दिया जाएगा। इससे पहले साजिद नाडियाडवाला ने बताया था कि हाउसफुल 5 में फिल्म के सभी मेन कैरेक्टर, जो जितनी भी अभी तक जो फ्रेंचाइजी आई है, चाहे हाउसफुल 1 हो, 2nd हो, 3rd हो, 4 हो, उनमें जितने भी कलाकार ने हिस्सा लिया है वे सभी हाउसफुल 5 में नजर आने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस जो पार्ट है हाउसफुल 5 में, इसमें अभिषेक बच्चन भी होंगे, रितेश देशमुख भी होंगे ही, वो तो है ही। खैर, इसके अलावा बॉबी देओल भी प्रमुख भूमिका में होंगे। और एक ऐसा पोस्टर भी नजर आया था कुछ वर्षों पहले, जिसमें हाउसफुल 5 की पूरी टीम एक साथ दिखाई गई थी। उसमें अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख सभी नजर आ रहे हैं। तो काफी बड़ी एक फ्रेंचाइजी होने वाली है, काफी बड़ी फिल्म होने वाली है। स्टार कास्ट की जल्दी ही अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और इसी वर्ष फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। अब जैसे इस फिल्म के बारे में और अपडेट्स आते हैं, मैं लगातार आपको जानकारी दूंगा। इतना जरूरत है कि फरहाद सामजी का रिकॉर्ड देखते हुए, जिस प्रकार से उनकी फिल्म फ्लॉप हो रही है एक के बाद एक, अभी किसी का भाई किसी की जान रिसेंटली फ्लॉप है, उसके पहले सर्कस फ्लॉप हुई थी, तो उनको डायरेक्शन से हटा दिया गया। और अब की बार जो डायरेक्शन है वो दोस्तों तरुण मन सुखानी करेंगे इस फिल्म को डायरेक्ट, मतलब अक्षय कुमार का फरहाद सामजी नहीं करेंगे। फरहाद सामजी से सभी को शिकायतें रहती है। तो एक बड़ी फ्रेंचाइज के लिए तैयार हो जाइए, जबरदस्त फिल्म होने वाली है। पिछली फिल्म भी करीब 200 करोड़ के क्लब में एंट्री ली थी, हालांकि काफी ज्यादा मतलब इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो देखते हैं बाकी स्टार कास्ट में क्या अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल, इन सबका भी नाम आता है या फिर नहीं आता है। लेकिन 99% श्योर है कि इस पूरी स्टार कास्ट इस फिल्म में साथ आने वाली है। और मुझे लगता है कि अब हेरा फेरी से पहले, हेरा फेरी का अगला पार्ट आने से पहले ये हाउसफुल 5 आएगी, क्योंकि हेरा फेरी का जो अगला पार्ट है वो कानूनी पेचों में फंसा हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। तो हो सकता है कि अक्षय कुमार 2024 में फिर से जबरदस्त वापसी करेंगे, क्योंकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी रिलीज होगी उनकी, और 2024 की दिवाली पर हाउसफुल 5 आ रही है। तो तैयार हो जाइए, अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार जबरदस्त वापसी करने वाले हैं। फिर फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।